आपको यहाँ पर हमेशा सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर लाखों की तादाद में संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपने गुरुजी का जो दूसरी पातशाही है उनका जन्म अवतार महीना जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें से कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जी नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मोहित, जिला गाजियाबाद। आप नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? नाम सुभाष है जी मेरा, मोदी नगर कादराबाद से। जी तो आप ये बताइए कि कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं लगातार? जी मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 16 साल हो गई जी। जी आपको 16 साल हो गई और आपको लगभग 12 साल के आसपास हो गई हैं, तो क्या पिछले इन सालों में आपने यहाँ पर किसी तरह की कोई माता बहनों के साथ कुछ गलत एक्टिविटी देखी या सुनी कहीं? नहीं जी, आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा ना सुना जी। जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से गुरुजी के जो वचन है वो यही रहे हैं कि अपने से बड़ी है तो माता और अपने बराबर है तो बहन और अपने छोटी है तो बेटी के बराबर समझो, तो मुझे तो ये कहीं भी नहीं लगता कि कहीं पर भी यहाँ औरतों के साथ या किसी के साथ यहाँ पर कुछ गलत होता है। जब इतना बढ़िया आप बता रहे हैं फिर भी गुरुजी पर जो है आरोप इसी तरीके के लगे हैं, ऐसा क्यों? इतने सालों से जो केस चलते रहते हैं, रेप केस, मर्डर केस, वो पेंडिंग रहते हैं, चलते रहते हैं, और सिर्फ एक बेनामी जिस पर कोई नाम नहीं, जो मतलब किसी कुछ पता नहीं, एक बेनामी चिट्ठी के ऊपर सजा हो जाती है। ये मैं कुछ नहीं मानता कि ये किस तरीके का यहाँ पर एक लॉ है। जी जो मानवता भलाई के कार्य जो आपके गुरुजी ने बताए हैं, क्या आप वो अपने अपने ब्लॉक में, क्षेत्र में करते हैं? हाँ जी करते हैं और देखते भी हैं जो लोग करते हैं, और हम भी उनका मतलब बहुत सहयोग करते हैं और उसमें जुड़ते हैं। जी अगर सरकार से आपको कोई अपील करनी है, गुरुजी को जो केस हैं उसके रिगार्डिंग कोई अपील करनी है, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, और कोई जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। जी जी आप अगर कुछ इस पृष्ठभूमि पर कुछ कहना चाहेंगे जो गंभीर आरोप हैं, या कुछ डेरे के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहेंगे, बताइए। नहीं गंभीर आरोप मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पिताजी पर तो हमारे गंभीर आरोप लगा दिए, मगर हमारी बहन हनीप्रीत जो क्या नाम जी पिताजी पर जब तक आरोप साबित हुए थे, जब तक उनका नाम उनके साथ जुड़ा नहीं किसी भी केस में है, और जब पिताजी जेल चले गए, उनके जेल जाने के बाद बहन हनीप्रीत 15 दिन किसी शॉट की वजह से या कैसे बाहर नहीं आई, तो उन 15 दिनों में इस मीडिया ने हमारी बहन को इतना जलील कर दिया, इतना मतलब शर्मसार कर दिया कि बहुत ज़्यादा। ये गलत नहीं है, बताओ, ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये बेटी के रिश्ते तक को तार तार कर दिया है जी इन्होंने, माँ बाप बेटी के रिश्ते तक को तार। उनके साथ उनका कोई संबंध होता तो पहले जो केस थे तारीखों में उनका नाम जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ना चाहिए था, मगर पिताजी को तो जेल भेज दिया है, और बहन हनीप्रीत पर फिर 15 दिन बाद इतने संगीन जुर्म कहाँ से लग गए, कहाँ से देशद्रोह का मुकदमा कहाँ से आ गया उन पर? तो ये झूठ नहीं है, सरासर झूठ है बिल्कुल। जी हाँ आप हमसे जुड़े, आपने इतना वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ जी मैं, आज जो डेरे में नज़ारा हो रहा है, 15 दिन पहले मेरे भाई रात को मुझे सपने में दिखाई देगा, मैंने जाकर बताया प्रेमी भाई, आज मुझे सपने में दिखा कि डेरे में संगत आ रही है और डीजे बजा के आ रही है, डीजे लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।